हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हाइपर राजा गेमिंग पे। तो गाइस, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको मतलब जो मिसाइल रैक 8 होता है वो पैंथर को देना चाहिए या गार्डियन को, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। तो मैं दोनों मैक पे यूज़ करूँगा और डिसाइड आप कर लेना कि किसको आपको देना है। मैं इसका चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए गाइस, अभी मैं गार्डियन के साथ ट्राई कर रहा हूँ और टूर्नामेंट खेलेंगे हम। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है गाइस, सिद्धू नाम है इसका। तो गाइस, मैं आपसे मैच में मिलूँगा। तो गाइस, टूर्नामेंट खेल रहा था लेकिन ये स्विच हो गया। कोई बात नहीं, हम गार्डियन से ट्राई करेंगे कि कैसा काम करता है गार्डियन के साथ मिसाइल रहे कई। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, मैं दोनों मैक गार्डियन और पैंथर दोनों में आपको यूज़ करके दिखा दूंगा और ये आपका डिसीजन रहेगा कौन सा परफेक्ट है। गाइस, गार्डियन तब ज़्यादा पैकलैंड में काम आता है जब आपका पैकलैंड रिलोड पे होगा, हाँ, और आपको रिलोड करने में टाइम लग रहा है। तो आपको क्या कर सकते हो, एनिमी पास में आ चुका है लेकिन आपका रिलोड नहीं हुआ, तब आप यूज़ कर सकते हो गार्डियन, तब वर्क करेगा गाइस, आप उसे रिलोड पे डाल सकते हो। ये इजी टिप है गाइस, इसे फॉलो ज़रूर करना। तो यहाँ बंदे तबाही मची पड़ी है गाइस। गाइस, आप ये जगरनट को भी दे सकते हो गाइस, वो भी तबाही मचा देता है। इसको ख़त्म करते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा पहला किल हो गया और गाइस ये लगातार डैमेज दे रहा है। गाइस, मैं इसमें भी मिसाइल रैक 6 अनलॉक करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को क्योंकि मैं अभी भी कॉइन्स कलेक्ट कर रहा हूँ। और इसको मारते हैं गाइस, और इसको डैमेज दिया। और गाइस, मेरा एक फ्रेंड कंफ्यूज था, इसके लिए मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाई है और उसने ही मुझे सजेस्ट किया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। मैं करीना का बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, आपको अगर उसकी आईडी चाहिए तो मैं अगले वीडियो में दे दूंगा उसकी आईडी, इस वीडियो में तो दे नहीं पाऊंगा। तो गाइस, ये जिसका भी है ये खत्म होने वाला है। ओ गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में गार्डियन के साथ। तो गाइस, दूसरा मैच मैंने स्टार्ट कर दिया, ये टूर्नामेंटल मैच है तो गार्डियन ले लेते हैं। तो गाइस, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जब किल करूँगा या फिर स्किल यूज़ करूँगा उसी टाइम का वीडियो दिखाऊंगा। तो गाइस, ऐसा हो तो आप इधर से ऐसे छोड़ सकते हो अपने पैकलैंड के एमो। देखो कैसे एक किल हो गया, पैकलैंड बहुत वर्कफुल गन है गाइस, अगर आपके पास है और आप यूज़ नहीं करते तब बेकार है गाइस। तो दो किल गाइस इसी के साथ, देख सकते हो पैकलैंड कितना स्मूथली काम करता है। बस आपको इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा इसके ऊपर, तब आप इसको मेरे से भी अच्छा चला पाओगे। तो वैसे यहाँ पे ये शैडो आ रहा है, इसको मारेगी शायद, नहीं फ्रेंड्स मार दिया। तो वैसे मैं अगली बार मिलूँगा आपसे। तो गाइस, फिर से गार्डियन लेके मैं आ चुका हूँ। गाइस, मैं कल अपना स्किल खोल दूंगा क्योंकि मैं आज का डायमंड लेने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने टोकन्स भी खरीद लिए, जिसको पता नहीं टोकन कैसे खरीदते अभी ये मैच के बाद मैं उनको भी बता दूंगा टोकन कैसे परचेस करते। गाइस, यहाँ पे किल पर किल, किल पर किल, किल पर किल, जस्ट किल। वैसे बंदा ऊपर से आ रहा है, तो देख सकते हो। बस गाइस, आपका कंट्रोल बैठना चाहिए फिर आप खुद इसको प्रो प्लेयर जैसा चला पाओगे। और लॉन्ग रेंज में गाइस पैंथर काफ़ी अच्छा रहता है गार्डियन को यूज़ करने के लिए, शॉर्ट रेंज पे आप गार्डियन का यूज़ कर सकते हो। ये मेरे को मार देगा शायद। तो गाइस देखो, शॉर्ट रेंज में मैंने कैसे यूज़ किया इसको, अभी ये रीलोड होगा।
और देखो गाइस कितना इजीली रिलोड पे डाल दिया। पैंथर ऐसा नहीं कर पाता गाइस, लेकिन गार्डियन कर लेगा, इसको भी मारिए गाइस। गाइस देख सकते हो किल पे किल कितना स्मूथ काम कर रहा है ये गन। बस आपको इन लॉन्ग ग्राम वालों से बच के रहना है गाइस। मेरा रिलोड काम नहीं किया। और गाइस जैसे ही 30 मीटर की रेंज में बंदा आए आपको उसको रिलोड पे डाल देना है। देख सकते हो गाइस मेरे को घोस्ट मिल चुका है। और गाइस हमने इतने स्मूथली इतने सारे किल कर लिए हैं, कितना मस्त काम करता है गाइस ये गन। तो गाइस अब गार्डियन का देख लिया, अगले मैच में हम देखेंगे कि पैंथर इसमें कैसा काम करता है। और जिसने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अब देखते हैं पैंथर के साथ कैसा होगा। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में। तो गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है, मैंने पैंथर को दे दिया, आप देख सकते हो पैंथर भी कुछ कम नहीं गाइस, वो भी तबाही मचा देता है करता ही। और यहाँ से लॉन्च करेंगे हम गाइस, उसको 5000 का पड़ा डैमेज, तो मरा नहीं भाई, क्या आदमी गाइस। मैं अपने जगरनेट को फुल अपग्रेड करने वाला हूँ, मैं अपना फिफ्थ मैच जगरनेट रखने वाला हूँ। तो गाइस इसी के साथ देख सकते हो कितना मजा गाइस, खुद को डैमेज नहीं मिलेगा, यही तो पैंथर का मजा है कि आप खुद को डैमेज बिना दिए आप एनिमी को ख़त्म कर सकते हो, जबकि आप गार्डियन में ऐसा नहीं कर सकते गाइस। यहाँ से बंदा आ रहा है, ये जाल डालेंगे अपना। गाइस इसको मारेंगे, ये गया गाइस, ये मेरे हाथ से ना सही गाइस, ये शायद पीछे से आएगा। तो गाइस जिसको नहीं पता, मैं जगन्नाथ को फुल अपग्रेड करने वाला हूँ, उसको पैकलैंड देने वाला हूँ गाइस, क्योंकि मैं आर्यास रखने की सोच रहा था, लेकिन आर्यास ओवर हो जाता है गाइस, मतलब आर्यास की गाइस शील्ड जो होती है ना वो टाइम के हिसाब से रहती है। मैं मिलता हूँ अगले राउंड में गार्ड पैंथर। तो गाइस पैंथर ले लिए हम, आ चुके हैं फिर से। तो अब वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखिए और खुद समझ जाइए कौन सा मैच ज़्यादा अच्छा है विथ पैकलैंड। यहाँ तक आ गए गाइस हम लोग, गाइस एक किल हो गया हमारा। गाइस पैंथर के साथ भी अच्छा काम करता है, आपको एक अच्छा खासा कवर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ और एक किल देख सकते हो आप कितना जल्दी जल्दी। और बैकग्राउंड में मिस्टेकली कोई नॉइस आ जाए तो इग्नोर कर देना। देखो गाइस वहाँ से बंदा, यहाँ से भी, गाइस अभी मैं पैंथर को भी रैंक अपग्रेड देने वाला हूँ ताकि उसकी भी पावर 20 की हो जाए। गाइस ये बूस्ट मारने आया है, तो मैंने दोनों मैक के बारे में आपको बता दिया, अब ये आपके ऊपर है कि कौन सा बेस्ट है, आप खुद चूज़ कर लीजिए। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल हाइपर राजा गेमिंग को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। हमारे वीडियोस में हम हमेशा हिंदी वीडियोस लाते रहते हैं, मैं कहीं ना कहीं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।